हेलो दोस्तों, मैं हूं सागो नारासब का स्वागत है जमसला वो यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी सवेरे के बज रहे हैं 10:30 और आप लोग देख सकते हैं कि बाहर जो गाइस इतनी खतरनाक वाला धूप है ना, इतनी तेज धूप है ना गाइस, बता ही मत। तो गाइस 10:30 हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी खाना बनने में काफ़ी लेट होगा। तो गाइज मम्मी ने मेरे को तो छोटा सा काम दे दिया, वाला काम अभी करते हैं। तो गाइज आप लोग को दिखाते हैं मम्मी ने मुझे क्या काम दिया है, चलिए जाके देखते हैं। तो गाइज मम्मी ने ये काम दिया है कि गाइज आप लोग देख सकते हैं ये जो खटिया है जिस पे मैं सोता हूँ, इस खटिया को अभी मेरे को धूप में निकालना पड़ेगा क्योंकि गाइज ये खटिया जो है ना काफ़ी दिन हो गया इसको धूप में नहीं निकाले हैं। क्योंकि गाइस ये खटिया को मतलब ज़्यादा दिन अगर छांव में रखा जाएगा तो इसमें खटमल लोग का बसेरा हो जाता है ना गाइस, इसीलिए इसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो गाइस रात को सोना हराम हो जाएगा, नींद मतलब अब सोएंगे यार खटमल लोग आएगा कैट कैट टिक टिक करके काटेगा तो यार रात को अगर नींद भी नहीं आएगा। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी के इसको जल्दी से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये बिस्तर सब जो है आप लोग देख सकते हैं इसको भी बाहर निकाल देंगे। मम्मी आज ये सब धोने वाली है। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी किए अपना काम को जल्दी से करते हैं, नहीं तो फिर मम्मी से गाली खाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने खटिया को बाहर निकाल दिया है, चलिए चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने खटिया को बाहर निकाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना काफ़ी तेज धूप है। तो गाइस इसको भी एक बार मतलब पटकते हैं, खटमल वटमल निकलता है कि नहीं देखते हैं थोड़ा। चलो चलिए गाइस एक दो बार इसको पटक लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं इसमें खटमल निकलता है कि नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार खटमल है जो दौड़ रहा है, इसको अगर गाइस नहीं निकाला जाएगा तो ये सब अड्डा करते रहेगा और रात का नींद जो है गाइस हराम करते रहेगा। आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा ये देख सकते हैं ये लसन, और एक बार पटकते हैं। तो गाइस इसको फिलहाल अभी धूप में ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में शाम को इसको फिर घुसाया जाएगा दोबारा से। तो चलिए गाइस धूप भी काफ़ी दे रहा है, चलिए चलते हैं अभी सीधा रूम की तरफ। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मैंने खटिया को बाहर निकाल लिया है, तो गाइस वो काम तो हो गया, अभी चलते हैं सीधा नहाने के लिए, उसके बाद फिर खाने के लिए जाएंगे। चलिए गाइस मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ नहाता हूँ, मेरा बाथरूम किस टाइप का है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से है मेरा जो नहाने का घाट है और ये मेरा बाथ ट्यूब है। गाइस आप लोग देख सकते हैं देसी जुगाड़ वाला बाथ ट्यूब है, गांव में तो गाइस ऐसे ही होता है आप लोग देख सकते हैं। और इधर पीछे इसके नीचे तालाब है, एक तालाब भी गाइस हम ही लोग का तालाब है, आप लोग देख सकते हैं तालाब में भी काफ़ी पानी है। और इधर कुछ बतख है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस ज़्यादा कुछ नहीं देरी करते हुए जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि गाइस भूख भी काफ़ी तेज लगी है, तो जल्दी से नहा लेते हैं गाइस चलिए फिर। तो गाइस आपको मिलते हैं सीधा नहाने के बाद, तब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट और आप लोग देख सकते हैं कि बाल को मैंने कंघी भी नहीं किया है, वैसा का वैसा है क्योंकि गाइस बाल में थोड़ा पानी है इसीलिए मैं बाल को कंघी नहीं किया हूँ। तो इस प्रकार से कुछ झाड़ लेते हैं जल्दी से ताकि सारा पानी जो है गाइस सूख जाए। और कंघी करने का गाइस मेरा स्टाइल है इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं कंघी हो गया है कंप्लीट। तो चलिएगा चलते हैं सीधा किचन की तरफ, क्या देखते हैं कि खाने में क्या बना है। अभी यार बैठ चुका हूँ खाने के लिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज खाने में है पखाल भात, जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पखाल भात। और गाइस आप लोग देख सकते हैं सब्जी है पोटल आलू का भुंजिया और लिए हैं चटनी मतलब अचार, आम का अचार, एक तो हरी मिर्चा और नमक थोड़ा सा लेंगे ताकि यार खाने में स्वाद आएगा चबा चबा के खाने में। और यहाँ पे थोड़ा सा पकाल भात में थोड़ा नमक दे देंगे इस प्रकार से।
तो चलिए गाइस जल्दी से पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको खाने के बाद। बताना कि ये वाला कौन सा पत्ता है जिसमें मैंने अचार और नमक लिया हुआ है। आप लोग इस पत्ते को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये पत्ता का नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला कौन सा पत्ता है। देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो गाइस फाइनली खाना हो चुका है कम्प्लीट और मैं अभी आ चुका हूँ रूम में। आप लोग देख सकते हैं और करंट भी नहीं है रूम में, तो गाइस फैन भी अभी बंद है। लोग देख सकते हैं किस प्रकार पसीने से भींग चुके हैं। आज गर्मी भी गाइस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी जस्ट खाना करके कर रूम में आया हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं तभी जब लोग को बोला था ना गाइस थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट करने के लिए गया था। लेकिन गाइस क्या ही जोर का नींद आया ना गाइस, मेरे को पता भी नहीं चला कि कब कब 5 बज गया है। तो गाइस कुछ देर पहले ही मैं उठा हूँ और उठ के जो गाइस फ्रेश हुआ हूँ आप लोग देख सकते हैं। फ्रेश होकर गाइस थोड़ा चिकना लग रहा हूँ ना काला का काला ही चिकना बोला। तो चलिए गाइस छोड़िए वो सब। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:30, मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा कुछ दिखा देता हूँ कि 5:30 बजे जो हम लोग का गाँव का इलाका जो मतलब का नज़ारा है किस प्रकार से है। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ से। हाँ गाइस मैं आप लोगों को जो मेरा फेवरेट प्लेसेस हैं यहाँ के, मैं वहाँ का नज़ारा भी आप लोग को दिखाऊंगा। चलिए गाइस मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। लोग देख सकते हैं कितना ही ऑसम लग रहा है बाहर का जो नज़ारा है, लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग इधर में देख रहे हैं कि कपड़ा सब सुखाया हुआ है, जो मेरा बिस्तर सब है यही सबको तभी जो निकाला था गाइस, ये सबको मम्मी ने धो दिए हैं और खटिया को बाद में थोड़ा और थोड़ा साफ होने दीजिए, बाद में घुसा लेंगे। और गाइस जो इधर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, लोग देख ही सकते हैं आप। तो चलिए गाइस यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं देरी करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने फेवरेट प्लेसेस की तरफ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में कुछ नए नए मेहमान लोग पधारे हैं, लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इससे पहले जब जो वीडियो वायरल हुआ था ये अभी देख चुके हैं वाला वीडियो, तो वही बात अभी बताने के लिए हमको बुलाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यस तो गाइस पहली बार इतना खुशी इसलिए मिल रहा है ना गाइस, पहली बार जो मेरे एक सब्सक्राइबर आए थे रोड में मेरे को देखे, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ लेकिन मेरे को बुलाए, बोलते हैं कि तेरा जो फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था ना गाइस मैं वो वीडियो देखा हूँ। तो गाइस अगर कोई सब्सक्राइबर पहली बार मेरे को मिला ना गाइस, इतनी खुशी हुई ना गाइस क्या ही बोल, अनएक्सपेक्टेड खुशी जो मिल रही ना गाइस। अभी पैदल ही जा रहा हूँ अपना फेवरेट प्लेसेस की तरफ। तो चलिए गाइस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, हम लोग मिलते हैं सीधे अपने फेवरेट प्लेस में। तो हेलो गाइस स्वागत है आपको मेरे फेवरेट प्लेस में। आप लोग देख सकते हैं फेवरेट प्लेस में जहाँ पे मैं हर दिन शाम को आना जाना करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है मेरा फेवरेट प्लेस, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को पूरा जगह ही दिखा देता हूँ किस प्रकार का जगह है। कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही ऑसम लग रही है गाइस आप लोग देख सकते हैं। गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि ये जगह आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि आप लोगों को ये जगह कैसा लगा। मेरे को तो गाइस ये जगह बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगा मेरे को ज़रूर से कमेंट में बताना। और गाइस मैं अपने भैया के जो मतलब आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे भैया आते रहते हैं, उनको मैं कॉल कर दिया है, वो रास्ते में ही होंगे आ रहे होंगे शायद, मैं उनको कॉल कर दिया था कि आओ हमारा जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पर आ जाओ, मैं वहीं पर फिलहाल हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी फ़ोटो वगैरह सब शूट करेंगे इसलिए आए हैं। तो चलिए गाइस आप लोग देख सकते हैं जिन भैया का इंतज़ार हो रहा था वो लोग अभी पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। हेलो खुड़ा, ब्लॉग में कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो खुड़ा, तुम्हारा मैंने हमारे वीडियो का देखो नहीं, खाली जो देखो खाली भाई मैंने सब देखो खुड़ा मैंने छो। तो गाइज ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, हमारा जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज पे बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर बारागोड़ा से आप लोग कोई भी बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो गाइज हम लोग कुछ देर यहाँ पर गप्पे सप्पे करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो फाइनली दोस्तों मैं नदी से घर आ चुका हूँ, जो मतलब कि मेरा जो फेवरेट प्लेस है वहाँ से मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि शाम भी हो चुका है। अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:30, तो देख सकते हैं। तो गाइज भैया भी अपना घर चले गए हैं और मैं भी आ गया घर की तरफ। वहाँ पर प्रॉपर मतलब लाइट नहीं होने के कारण मैंने सोचा कि चलो घर में जाकर ब्लॉग को एंड करते हैं, और मैंने मोबाइल भी नहीं ले गया था दूसरा वाला कि वहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन करके ब्लॉग को एंड किया जा सके। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि चैनल में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।